आई होप अच्छे ही होंगे। मैं मंजू नेगी भगवान बद्री विशाल के पान भूमि चमोली गढ़वाल से। अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं तो आज की ब्लॉग मेरी अभी से स्टार्ट हो रही। मौसम की बात करें यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो रखा है क्योंकि कल रात में बारिश हुई थी और सुबह में भी थोड़ा हल्की हल्की सी बारिश हुई थी और इस टाइम पर तो हल्की सी धूप निकल गई लेकिन थोड़ी गर्मी कम है। तो ऐसे मौसम का हम कब से इंतज़ार कर रहे थे कि कब गर्मी थोड़ा कम होगी और हम हरिद्वार जाएंगे। तो आज हमें मौका मिल गया है हरिद्वार जाने का। तो अब फटाफट से हम होते हैं तैयार क्योंकि अभी लेट भी हो गए हैं, 1 को यहीं बज गई। इसके बाद तैयार भी होना है, फिर जाना है और फिर घूमना भी है। तो आप लोगों को मिलते हैं हम सीधा हरिद्वार में। आप लोग वीडियो में बने रहना, एंजॉय लेते रहना। आप लोगों को भी हरिद्वार घुमा के लाते हैं गंगा स्नान करा के। तो चले फ्रेंड्स, मैं होती हूँ तैयार और आप लोगों को मिलूँगी मैं सीधा हरिद्वार में। तब तक आप लोग इंजॉय करते रहिए। अभी हम फाइनली हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। तो जिस जगह पे अभी हम आ रखे हैं ये इसका नाम है हर की पेड़ी। तो अभी हम हैं हर की पेड़ी में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मंदिरों का दर्शन करा देते हैं और उसके बाद और जगह पे ले जाते हैं आप लोगों को। तो आप लोग सभी सबसे पहले माँ गंगा मैया और भी देवी देवताओं का यहाँ पर दर्शन कीजिए और इनका आशीर्वाद लीजिए। तो चलिए दर्शन कीजिए और इंजॉय लेते रहिए, वीडियो में बने रहिए, वीडियो का आनंद लेते रहिए और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को पूरी देखना। और उसके बाद ले चलते हैं आप सभी लोगों को माँ गंगा मैया के दर्शन के लिए। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, इस सुंदर से दृश्य को और इस मनमोहक दृश्य को इंजॉय करते रहिए, आनंद लेते रहिए। तो चलिए घूमिए आप लोग भी।
अभी हमने धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पेड़ी में गंगा स्नान भी कर दिया है और माँ देवी देवताओं का दर्शन भी कर दिया है, गंगा मैया का दर्शन भी कर दिया है और आप लोगों को भी करा दिया है। तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि घर में गौरी भी अकेली है, अरुण है, तो सोच रहे थे मनसा देवी जाने का लेकिन टाइम उतना मिल पाया नहीं, इसलिए हम अभी घर के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं घर के लिए, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।